हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी साइंस की 3 क्लासेस हो चुकी थी और हमने मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज अपन साइंस का एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और इन चीजों में अपन अपवर्तन परावर्तन और यहाँ से जो जो मोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन कवर कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको गिनाता भी जाऊंगा क्वेश्चन जब आते जाएंगे। तो देखना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहली बात, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? तो वो भौतिक कारक जिसकी वजह से हम वस्तुओं को चीजों को देख पाते हैं वो प्रकाश होता है, लाइट। आप सब समझते हो प्रकाश के बारे में ना। अब प्रकाश जो होता है ये वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये गुण होता है कि वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। एक और बात ध्यान में रखना, जब अपन तरंगे पढ़ते हैं तो मेनली अपन दो भागों में तरंगों को विभाजित करते हैं, उनका आगे वापस विभाजन होता है। जो मेन दो भाग होते हैं, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान रखना, तो अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश जो है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंगों की बात की जाए तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश, सॉरी ध्वनि का रीट में क्वेश्चन आया, रीट एल1 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हो सकता है पुलिस में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपको याद रखना है प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है या अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होती है ये अपन तरंगों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हालांकि प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो इतना सा हल्का सा आइडिया ले लिया। दूसरा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। आपको पता है ना प्रकाश जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है, तो यहाँ पर जो तरंग आ रही है तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के प्रकाश गमन करके आ रहा है। तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ये निर्वात में अच्छे से गमन करता है, लेकिन आप बीच में कोई माध्यम अगर प्रयुक्त कर दो तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, गैस में थोड़ी कम, जैसे निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है, फिर अपन गैस प्रयुक्त करें तो प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाती है, फिर अपन जल प्रयुक्त करें या द्रव प्रयुक्त करें तो और कम हो जाती है, और ठोसों में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। लेकिन यही बात ध्वनि की जाए तो निर्वात में ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होता है। अगर ठोस की बात की जाए तो ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे अच्छे से होता है, द्रव की बात की जाए तो ठोस की तुलना में थोड़ा कम, और गैसों में ध्वनि का संचरण सबसे कम। जैसे अभी मैं आप बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो हम मेरे और जो माइक लगा हुआ है उसके बीच में ध्वनि है, सॉरी वायु है, और वायु के माध्यम से ध्वनि तरंगे जा रही है। अब आप देखना आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये ध्वनि का सबसे अच्छा संचरण नहीं हो रहा है। ध्वनि का सबसे अच्छा संचरण होता है ठोस में। आप किसी टेबल के ऊपर अपना कान लगा लो और दूसरे हाथ से टेबल पर प्रहार करो, आपको सबसे अच्छे सुनाई देगा, वो ठोस के अंदर जो है ध्वनि का संचरण हुआ। इसी तरह से देखना, जैसे आप रेल की पटरियों पर अगर इंतजार करते हो रेल का, तो आपको अगर पता चला करना हो कि रेल कितनी दूर है, तो आप पटरी पर कान लगाते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ बहुत दूरी पर रेल आ रही है। तो आपको देखना हमारे आसपास का वातावरण, तो इसमें वायु है, तो वायु में तो आपको जो रेल की इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन जैसे ही आपने पटरी पर कान रखा तो आपको लग गया कि हाँ थोड़ी दूरी पर ट्रेन है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ध्वनि का जो संचरण हो रहा है वो उस पटरी के अंदर यानी ठोस माध्यम में अच्छे से हो रहा है, जबकि इस गैस में इतना अच्छे से नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना है ध्वनि का संचरण सबसे अच्छा ठोस में होता है, उससे कम अच्छा द्रव में होता है, सबसे कम अच्छा गैस में होता है, और निर्वात में तो ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। आप अंतरिक्ष में चले जाओ, बोलो, एक बोलेगा दूसरे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हवा ही नहीं है, निर्वात है, कोई गैस नहीं है, माध्यम नहीं है। तो देखना, ये तो हो गई अपने संचरण की बातें। आगे देखते हैं अपन प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का निर्वात में संचरण सबसे अच्छे से होता है, फिर अगर अपन प्रयुक्त कर दे कोई माध्यम, जैसे गैस प्रयुक्त कर दी तो इसका संचरण प्रभावित होता है, थोड़ा कम हो जाता है। फिर अपन प्रयुक्त कर देते हैं जैसे द्रव, ठोस, तो ठोस में सबसे मुश्किल से इन विद्युत चुंबकीय तरंगों या प्रकाश का संचरण होता है। ओके, अब अपन देखते हैं जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश इसके अलग अलग घटक होते हैं, ये अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग जो हिस्से होते हैं इसमें अपन जिस प्रकाश को देख सकते हैं उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। ओके, तो दृश्य प्रकाश जो होता है ना, वो दृश्य प्रकाश में ये अलग अलग रंगों से मिलकर बना है और सबका मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। तो किस रंग के लिए या किस प्रकार के प्रकाश के लिए हमारे आँखों की संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है, या आँखें सबसे ज़्यादा किस प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती है? तो आपको याद रखना है हरे रंग के प्रकाश के लिए या हरे रंग के लिए हमारे आँखों की सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको ये डायग्राम बता दूँ, ये जो ग्राफ बता रहे हैं
इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो सेंसिटिविटी है आई की, ये इस अक्ष पर हम आंखों की सेंसिटिविटी संवेदनशीलता ले रहे हैं और इधर हम जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ले रहे हैं। तो जो तरंग दैर्ध्य या हरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, आप देख सकते हो, जैसे अपने ये कलर ले लेते हैं, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखना आप, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आंखों की संवेदनशीलता सबसे अधिक है और ये किस हिस्से में आ रहा है, हरे रंग में। तो हरे रंग के प्रति आंखों की संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ बातें जानते हैं, कुछ इतिहास जानते हैं प्रकाश का, प्रकाश के बारे में। जैसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज भौतिकविद और गणितज्ञ न्यूटन थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब कौन न्यूटन है? क्या ये वही न्यूटन है जो गति के नियमों के बारे में बताते हैं? बिल्कुल, ये वही न्यूटन है। ओके, तो न्यूटन ने जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनके ऊपर भी अच्छे से काम किया है। तो न्यूटन ने प्रकाशिकी में भी अपना योगदान दिया है। बाद में न्यूटन ने अपना कण सिद्धांत भी दिया था, जिसको गलत भी सिद्ध किया गया था, और तरंग सिद्धांत दिया गया था उस टाइम पर। फिर बाद में सिद्ध हुआ कि कण प्रकृति प्रकाश ही होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। क्या होता है थोड़ी देर बाद अच्छे से समझेंगे। हाल फिलहाल ध्यान में रखो कि न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। कोई भी पूछ ले प्रकाश के 7 रंगों पहले में पहले किसने बताया? न्यूटन ने। ओके, और ये भी बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ये तो बाद में पता चल ही गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बता दिया था प्रकाश में क्वांटा फोटोन वगैरह के बारे में। लेकिन एक बात और, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब आप छोटे बच्चे थे तब आपको छोटी क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता था, प्यारे बच्चों ये एक जो है गत्ता ले लो, दूसरा गत्ता ले लो, तीसरा गत्ता ले लो, और इन 3 गत्तों में ऐसे छेद कर दो, फिर इसके सामने एक मोमबत्ती रखना, मोमबत्ती को जला देना, और इधर अपनी आँख रख देना, यानी अपने अपने इस आँख से देखना तो तुमको मोमबत्ती की लो दिखाई देगी, फिर बीच के गत्ते को खिसका देना तो तुमको मोमबत्ती नजर नहीं आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासों में आपको बताते थे, फिर बताते थे इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो वही बात न्यूटन महोदय ने भी बताई थी। सही है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है किसने बताया? न्यूटन ने। अब ध्यान रखना, छोटे लेवल पर ये बात सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन आगे अपन प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने सामने कुछ और रोचक जानकारी आएगी। जैसे 12th फिजिक्स में आप पढ़ते हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ते हो तो आपको प्रकाश को तिरछा भी घुमाना पड़ता है। प्रकाश जो होता है ना वो पतली यंग का द्विझिल्ली प्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें अपन प्रकाश को बिना सरल रेखा के भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं, यानी प्रकाश ऐसे भी पहुँचता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती है, इन्हें अपन आँखों से नहीं देख सकते, ये जो है माइक्रोस्कोप वगैरह में दिखाई देते, क्या चीज़ होती है इसको जानेंगे। हाल फिलहाल ध्यान में रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ओके, जैसे जैसे आता जाएगा मैं समझा दूंगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक हाइजेनबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ओके, ये तरंग सिद्धांत दिया और इन्हें प्रकाशिक तरंग ये बताया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। अभी एक बात को दिमाग में फिट करने की कोशिश करना, पहले क्या बोला न्यूटन ने कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? कणों से। बाद में हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। आप कण समझ सकते हो इस तरह से कण कण कण, और तरंग समझ सकते हो इस तरह से तरंग जिनका संचरण होता है। तो दो बातें सामने आ रही है, कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि प्रकाश की कण प्रकृति है, कोई साइंटिस्ट कह रहा है प्रकाश की तरंग प्रकृति है। और जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यानी परमाणु संरचना पढ़ाई थी, तो उसकी 3री या 4थी क्लास में मैंने इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया था, प्रकाश के गति को लेकर के और टाइम ट्रेवल को लेकर के कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको समझाने की हल्की फुल्की कोशिश की थी, यहाँ पर फिर से कोशिश कर रहा हूँ समझना। प्रकाश की कुछ वैज्ञानिकों ने कण प्रकृति बताई, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई, लेकिन इनके आपस में मतभेद चलते थे, क्योंकि जो कण प्रकृति वाले साइंटिस्ट थे वो अपना प्रयोग करते थे तो वो प्रयोग सही हो जाता था और अपने प्रयोग को सिद्ध कर देते, कण प्रकृति बताते। फिर तरंग प्रकृति वाले अपना प्रयोग करते, उनका प्रयोग भी सही सिद्ध होता, तो जो कण प्रकृति का प्रयोग कर रहा है उसका प्रयोग भी सही सिद्ध हो रहा है, जो तरंग प्रकृति का प्रयोग कर रहा है तो उसका प्रयोग भी सही सिद्ध हो रहा है। तो अभी ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि प्रकाश ही कैसी प्रकृति है, कण प्रकृति है कि तरंग प्रकृति है। बाद में रिसर्च में सामने आया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का क्या मतलब है? यानी ये कण प्रकृति भी रखता है प्लस तरंग प्रकृति भी रखता है। तो प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। कण का मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन कणों को अपन, कण शब्द उपयुक्त नहीं रहता, उनके लिए अपन क्वांटा शब्द प्रयोग करते हैं या फिर उनके लिए अपन फोटोन शब्द प्रयोग करते हैं, कण इतना अच्छा नहीं लगता। तो प्रकाश की कण प्रकृति यानी प्रकाश फोटोन के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में हम तक पहुंचता है, तो ये प्रकाश की कण प्रकृति को बताता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगे होते हैं,
जिससे सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है और बिजली जो आपका बिजली उत्पादन कह सकते हैं एक तरीके से कि आपके घरों में बिजली चलती है अगर आप सोलर पैनल यूज करते हो खेतों में कहीं पे भी, तो वो जो होता है वो कण प्रकृति पर आधारित होता है। कैसे? वहां पर फोटोन जो होते हैं वो फोटोन उस सोलर पैनल पर गिरते हैं और वहां पर सीजियम परमाणु के सीजियम जो होते हैं इसके परमाणु होते हैं उसके अंदर, सीजियम तत्व होता है, सीजियम का लेपन किया जाता है। तो सीजियम के एक परमाणु के ऊपर जब बहुत सारे फोटोन गिरते हैं तो देखना, जैसे मान लो ये सीजियम का नाभिक है और ये सीजियम के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मैंने अंदर बहुत सारी कक्षा बना दी और ये अंदर की कक्षा है और बाहर की कक्षाओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इनके ऊपर आकर के फोटोन टकराएंगे, और जब फोटोन इन इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉनों का संचरण होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का संचरण ही क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह है। जिधर इलेक्ट्रॉन संचरित होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि फोटोन आकर के उस सीजियम प्लेट पर गिरा और फिर उसमें से विद्युत उत्पादन हुआ, तो फोटोन आया मतलब कण प्रकृति, यानी कि जो सोलर पैनल लगे होते हैं वो प्रकाशी कण प्रकृति को सिद्ध करते हैं। तो आपको पता चला प्रकाशी कण प्रकृति हो गई, प्रकाश के कण को अपन फोटोन कहेंगे या क्वांटा कहेंगे। तरंग प्रकृति, बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रयोग किया और प्रकाश की तरंग प्रकृति को भी सिद्ध किया, जैसे हाइजेनबर्ग जो था इन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया। आगे अपन यंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे सिर्फ नाम पढ़ेंगे यंग का, तो वहां पर यंग ने भी इसकी तरंग प्रकृति को सिद्ध किया था। यंग ने अपना द्विजर्री प्रयोग किया था और उसके जरिए इसको सिद्ध किया था। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है, प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है, लेकिन 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 एक समय में प्रकाश की एक ही प्रकृति दिखाई देती है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो प्रकाश की उस एक्सपेरिमेंट में या तो आपको तरंग प्रकृति नजर आएगी या आपको कण प्रकृति नजर आएगी, एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही साथ दोनों प्रकृति अभी तक तो प्रकाश की नजर नहीं आई है, यानी प्रकाश की होती दोहरी प्रकृति है लेकिन एक प्रयोग में प्रकाश की केवल एक प्रकृति ही अपन देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है ना, चित्त और पट। लेकिन आप सिक्के को उछालते हो जमीन पर गिरता है तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वैसे ही प्रकाश की दोनों प्रकृति अपन एक साथ नहीं देख सकते, जहां पर तरंग प्रकृति दिखाएगा वहां पर कण प्रकृति नहीं दिखाएगा और जहां पर कण प्रकृति दिखाएगा वहां पर तरंग प्रकृति नहीं दिखाएगा। ओके, थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। ध्यान रखना कण प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया, तरंग प्रकृति के बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया। आगे अपन देखते हैं सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिक वेत्ता थॉमस यंग, अब यंग की बात हो गई, ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। प्रकाश का व्यतिकरण, अब ये व्यतिकरण क्या होता है इसके लिए फिजिक्स में घुसना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि इतना डीपली घुसूं, बस इतना ध्यान में रखो तरंगों का अध्यारोपण होता है, व्यतिकरण हो जाता है। तो इसने क्या किया था, अपना द्विजर्री प्रयोग किया था, इसने एक प्रकाश का स्रोत लिया था इस तरीके से और फिर एक मान लो घत्ता लगाया, बोर्ड लगाया, दीवार लगा दी, उसमें दो छेद कर दिए, फिर इन दो छेदों से प्रकाश निकला, फिर आगे जाकर के ये प्रकाश जो होता है सामने एक पर्दा रखा, उस पर्दे पर गिरता है, इस पर्दे पर इसको बहुत जगह चमकीली धारियां नजर आती है जिसको उच्चिष्ट बोला, बीच में काली धारियां नजर आती है जिसको निम्निष्ट बोला, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट इस तरह से बहुत सारे नजर आए। तो यहाँ पर इसने क्या है कि इसने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया और व्यतिकरण के सिद्धांत के जरिए प्रकाश जो है तरंग प्रकृति के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया। तो आपको ये ध्यान रखना है व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये यंग ने दिया था, और कौन सा प्रयोग था, यंग का द्विजर्वी प्रयोग था, जो कोई नहीं पूछने वाला, बस सिद्धांत के बारे में ध्यान रखना। अगला सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया। विद्युत चुंबकत्व, अभी मैंने जस्ट बोला था कि प्रकाश की जो तरंगे होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इनको आपस में मर्ज करके गणितीय रूप से इसने सिद्ध किया था, मैक्सवेल ने सिद्ध किया था, है ना। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया, यानी कि मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया था इसका। अब वो कौन से फॉर्मूला थे, क्या था, वो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हाई लेवल की बातें हैं। अभी अपने को ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। ओके, आगे अपन बात करते हैं कि 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश क्वांटीकृत है और सबसे प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है जिन्हें अपन क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा को अपन क्या कहते हैं, फोटोन। ओके, तो ध्यान रखना जैसे इसका फोटोन के बारे में किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने।
इन्होंने क्या किया था, एक निर्वात नली ली थी, उसके अंदर एनोड कैथोड लगाया, फिर उसके ऊपर प्रकाश डाला था और फिर देखा कि इस निर्वात नली में बीच में तो कुछ भी नहीं है, प्रकाश डाल रहे फिर भी नीचे धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो कारक है जो इधर से इधर विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है। फिर दिमाग लगाया, बताया कि हमने तो लाइट डालते हैं तब ये प्रकाश चल, जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस परिपथ में और लाइट बंद कर देते तो विद्युत धारा बंद हो जाती है, प्रकाश बंद कर देते एनोड कैथोड पर डालते हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही हम इस प्लेट के ऊपर प्रकाश डालते हैं, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है प्रकाश जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो कुल मिला के अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये बता दिया था कि प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है जिन्हें अपन क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है फेमस समीकरण भी आपको पता होना चाहिए, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पर ई ऊर्जा, एम द्रव्यमान और सी जो है वो प्रकाश की चाल है। कहने का मतलब हम ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं इनके बारे में। देखना दोस्तों, अपन प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये बहुत सारी बातें बच रही है, चलो कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट शॉर्ट में निपटा दें। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है, जैसे मैं 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रकाश की एक किरण आ रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और इधर से इस दर्पण, ये क्या है, दर्पण है, यानी कि मिरर, ये लिखा हो ना मिरर, मिरर के टकरा करके वापस किरण जा रही है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर, समतल दर्पण, ये ध्यान रखना दर्पण कैसा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण पर आपतित होती है तो समतल दर्पण पर आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन इसकी जो होती है चमक या तीव्रता थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, इसकी चाल में जो है थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसका इसमें पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। हालांकि कलांतर की बात नहीं करते अभी, इतना देखते हैं। आपतित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इसको अपन क्या कहेंगे, परावर्तन। सिंपल सी, प्रकाश किरण जब किसी सतह, समतल परावर्तक सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इसको अपन परावर्तन कहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, एक काल्पनिक अक्ष की कल्पना करते हैं, अपन कल्पना करते हैं कि इस जो ये आपका दर्पण है, इस दर्पण के 90 डिग्री पर एक काल्पनिक अक्ष मान लिया, ये अपनों ने कल्पना किया ऐसा अक्ष, इसको नॉर्मल बोल दो या इसको हिंदी में अभिलंब बोलते, क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, बस हमने कल्पना कर दी कि दर्पण से 90 डिग्री पर एक अक्ष है जिसको अपन ने, एक तल है जिसको अपन ने अभिलंब बोल दिया। तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो कोण बना रही है, ये जो आपतित किरण, इस आपतित किरण ये वाली, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसी तरह से जो परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण या फिर अपन आर बोल देंगे। ओके, अब ध्यान रखना, कुछ और बातें करते हैं ये समझने के बाद कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। सारे नियमों की बात नहीं करते, सिंपल जो पूछा जाने वाला है, परावर्तन के नियम क्या, तो देखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको तो यहाँ पर एक पॉइंट नजर आ रहा है, एक्चुअल में देखो 3D में तो यहाँ पर एक पूरा एक तल होगा, एक तल होगा, एक तल, इस तरह से एक तल होगा, एक तल होगा जिसमें ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब इसी तल में होंगे। ओके, तो ये एक तल होगा। तो ये पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी में क्या बात कर रहा था कि जो आपतन कोण है उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण आई जो होगा, चल जाना, कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। आपको बस ये दो ही नियम ध्यान रखने जो पूछने वाले, बाकी तो बहुत सारे नियम होते हैं। हाँ, और बात करते हैं कुछ और, गोलीय दर्पण की बात करते हैं। व्हाट इज गोलीय दर्पण, देखना अपन क्या करते हैं, इतनी देर अपन बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है, एक सीधा सा कांच होता है, उस कांच की एक सतह को रजतित कर दे यानी पॉलिश कर दे तो दर्पण बन जाता है। ध्यान रखना कांच और दर्पण में फर्क है, कांच तो क्या होता है जिसके आप आर पार देख सकते हो, और दर्पण क्या होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते, जिसमें देखोगे तो आपको अपना ही अजीब सा अपना मुंह नजर आएगा। देखना, तो किसी कांच की सतह को आप रजतित कर दो यानी पॉलिश कर दो तो आपको उसमें अपना अक्ष नजर आएगा, अपना प्रतिबिंब नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। इसी तरह से आप क्या करते हो, पहले तो हमने सीधे कांच को जो है रजतित कर दिया था, तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। अपन एक काम करते, अपन सीधा कांच नहीं लेते, अपन एक गोला लेते हैं, कांच का गोला। ओके, मान लिया कांच का गोला लिया, इस गोले को काट दिया कहीं से, मान लो इतना काट दिया, ये काट करके ये हिस्सा फेंक दिया, ये हिस्सा रख लिया।
अब ये हिस्सा रखा कांच का, तो ये रहा कांच का हिस्सा जो हमने काट के रखा। अब आपको इतनी सी लाइन नजर आ रही है, एक्चुअल में कैसा ये, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, 3D में है ना, आप पूरा एक बोल हो, बोल को इतना सा कट कर दो तो आपको कैसा हिस्सा मिलेगा, तो वैसा आप इमेज कर सकते हो भाई, इसकी जो है उभरी हुई सतह होगी, एक दबी हुई सतह होगी अंदर अच्छे से। तो ये आपके पास कांच है, अब आप क्या कर सकते हो इस कांच के साथ, इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम अपन इस कांच की इस बाहरी सतह को रजतित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रजतित। तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा, बाहरी सतह रजतित कर दी तो अंदर की सतह पर आपको प्रतिबिंब नजर आएगा, बाहर की सतह रजतित कर दी तो अंदर की सतह परावर्तक सतह होगी। तो गोलीय दर्पण की, सॉरी, किसी गोले के अंदर से कोई हिस्सा काट करके निकाला जाए और उसकी बाहरी सतह को रजतित कर दिया जाए तो जो निर्माण होता है इसको अपन अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन सा, पहला तो अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल यानी कि दबा हुआ, आप इसके अंदर जब देख रहे हो तो आपको ये इस तरह से दबा हुआ दबी हुई सतह ही दिखाई देगी ना, तो ये अवतल सतह। और इसी तरह से मान लो आप इसकी अंदर बाहर की सतह को रजतित ना कर करके अंदर की सतह को रजतित कर दे तो कुछ इस तरह की स्थिति आती। तो यहाँ पर ये जो बाहर की सतह होती है ये परावर्तक सतह होती और ये ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे देखोगे इसमें नजर आएगा तो उभरी हुई सतह, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह से हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखो, ये रहा गोलीय दर्पण, कितने भाग बन गए इसके, दो, एक तो हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा उत्तल दर्पण। अब देखना क्या फर्क है, अवतल दर्पण में आउटर लेयर जो होगी ये पॉलिश की होगी और उत्तल दर्पण में अंदर की सतह पॉलिश की होगी। अब देखना, जैसे मान लो कि प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आएगी टकरा के इधर, ये प्रकाश किरण आ गई टकरा के इधर, ये प्रकाश किरण ऐसे आ गई टकरा के इधर, तो सारी प्रकाश किरणें जो होगी वो टकराएगी और केंद्र की तरफ इकट्ठी होगी। यानी ये किरणों को क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब यहीं पर देखो, मान लो ये सतह परावर्तक सतह, तो इधर से कोई प्रकाश किरण आएगी टकरा के इधर चली गई, इधर से कोई प्रकाश किरण आएगी टकरा के इधर चली गई, ये कोई प्रकाश किरण आई टकरा के इधर चली गई, ये आई टकरा के इधर चली गई। तो अपन देख सकते हैं जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश किरणों को फैला रहा है। इसलिए उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह से हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन से दर्पण को अपसारी कहते हैं, कौन से को अभिसारी कहते हैं। आपके नजर नयन है, ये चित्र देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ, जैसे मैं आपको विभिन्न परिभाषाएं बता देता हूँ इससे रिलेटेड। मान लो जैसे मैंने चित्र ले रखा है, ये अवतल दर्पण है, आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर की सतह दबी हुई थी, ये अवतल दर्पण, बाहर की सतह पॉलिश है। अब देखना इसके अंदर विभिन्न परिभाषाएं होती है, जैसे ध्रुव क्या होता है, तो आपका जो पूरा अवतल दर्पण है इसका सेंटर पॉइंट जो होगा, केंद्र बिंदु जो आपका अवतल दर्पण उसका मध्य बिंदु, इसको अपन ध्रुव कहेंगे, इसको पी से दर्शाएंगे, पी का मतलब पोल, ध्रुव, ओके। तो पी से दर्शाएंगे, पहली बात तो ये होगी ध्रुव क्या होता है। दूसरा देखते हैं अपन कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र को समझना, जैसे ये आपको इतना सा दर्पण दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में तो किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। तो आपका गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, वो गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको सी से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, वक्रता केंद्र तो क्या होता है, हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इतना डायग्रामेटिक दर्शा दिया। वैसे देखो, ये रहा आपका ध्रुव और ये रहा आपका वक्रता केंद्र, समझ गए। अब अगला देखना, अगली परिभाषा, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या या कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ओके। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, या फिर बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होती है, तो ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई काल्पनिक अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये चीज क्या है, ये मुख्य अक्ष, ये काल्पनिक है, मतलब ऐसे आपको एग्जैक्ट नजर थोड़ी आती है, आप जैसे मिरर देखते हो, आईना देखते हो, दर्पण देखते हो, उसमें ऐसी चीज नजर नहीं आती। अपन कल्पना कर रहे हैं किसकी, मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक अक्ष है, हमने कल्पना कर रखी कि ऐसी है जो ध्रुव से भी जा रही है और वक्रता केंद्र से भी जा रही है। आगे अपन देखते हैं, जैसे द्वारक, द्वारक क्या होता है, तो देखना ये जो आपका अवतल दर्पण है इसमें आप कहाँ से लेकर कहाँ तक के अपना इमेज देख सकते हो, या प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ तक परावर्तित होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
तो ये जो चीज़ होती है द्वारक कहलाती है, ये द्वारक को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। अब देखना आपको इस डायग्राम में तो एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन आप रियल में देखोगे तो रियल में आपको इस तरह से, ये तो 3D में होगा, इस तरह से नजर आएगा। तो वो जो इसका व्यास, व्यास तो क्या बोल सकते हैं इसको, ये पूरी जो हिस्से जहाँ पर किरणें आएगी और उनको अभिसारित करेगा तो वो सारा क्या कहलाएगा, द्वारक, जिसको कैपिटल डी से दर्शाया जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन अगली परिभाषा क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है, तो देखना फोकस क्या होता है कि जो अनंत से प्रकाश किरणें आएगी वो प्रकाश किरणें इस दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी, और परावर्तित प्रकाश किरणें जहाँ पर केंद्रित होगी या केंद्रित होती हुई प्रतीत होगी उसको अपन फोकस कहेंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला केंद्रित होती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि मैंने तो अवतल दर्पण बनाया तो इसमें तो केंद्रित होगी, लेकिन अगर मैं उत्तल दर्पण बनाता तो उसमें केंद्रित नहीं होती, बल्कि अपन को इमेज करना पड़ता कि केंद्रित हो रही है, मतलब सोचना पड़ता है, ऐसी कल्पना करनी पड़ती। जैसे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये अनंत से आती हुई किरण टकरा करके यहाँ आ गई इस तरह से, ये अनंत से आती हुई किरण टकरा करके यहाँ पर आ गई इस तरीके से। तो जहाँ पर ये किरण जो है केंद्रित होती है या होती हुई प्रतीत होती है उसको अपन फोकस कहते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और आप फोकस के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये फोकस जो होता है ना, ये सी यानी कि ध्रुव और सी यानी कि वक्रता केंद्र और पी यानी कि ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी कि यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या है इसका इसका मध्य बिंदु, वही चीज़ क्या होता है, फोकस होता है। एक और बात करता हूँ, चलो मैं ये से बोल रहा हूँ ना, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई कैसे प्रतीत होती है, अगर ये उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से होता, ये इसका पी होता और ये इसका सी होता, तो उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश किरणें आती तो सीन कुछ इस तरह से होता, ये प्रकाश किरणों को ऐसे परावर्तित करता है, ये प्रकाश किरणों को ऐसे परावर्तित करता है। तो अपन फिर कल्पना करते हैं कि प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है मान लो, है ना, तो यहाँ पर क्या बोला, मिलती हुई प्रतीत होगी, उत्तल दर्पण में तो मिलती हुई प्रतीत होगी और अवतल दर्पण में सच में मिलेगी, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब देखना फोकस क्या था, कि अनंत से आती हुई किरणें जहाँ पर मिलती है परावर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसको अपन फोकस कहते हैं। और फोकस जो होता है ये बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा इस पोल के या ध्रुव के बीचों बीच होता है, इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ओके, अब एक और बात, फोकस तो हो गया, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी किसको कहते हैं कि फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो कैपिटल एफ क्या है, फोकस बिंदु, फोकस बोल दो या फोकस बिंदु बोल दो, और स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी, यानी फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, राज की बात क्या है, वैसे तो राज क्या है, दुनिया जान रही है इसको, ये एफ है। और मैंने बताया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसके बीचों बीच फोकस होता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी निकालते हो तो ये भी एफ ही होगी। ओके, क्योंकि इसके बीचों बीच है, तो अपन बोल सकते हैं 2f जो होता है ना वो r के बराबर होता है। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये दिख रहा ना, एफ और एफ, 2f और ये r के बराबर, या अपन बोल सकते हैं एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, कैसे, ऐसे। ओके, ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पर हमने बहुत सी जानकारियाँ, परिभाषाएं जो आपके पूछी जा सकती है एग्जाम में या आपको बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए उसको बता दिया। आगे अपन कुछ और बातें करते हैं, बातों का क्या है, बातें तो चलती रहेगी, चलो बातें करते हैं आगे चिन्ह परिपाटी की। व्हाट इज चिन्ह परिपाटी, देखना दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे ना इसमें फॉर्मूला आएगा, लेंस के लिए सॉरी दर्पण के लिए अपन फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, उसको दर्पण सूत्र कहते हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को प्रयुक्त करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी बोला जाएगा एक लेंस है, सॉरी आपके पास एक दर्पण है, इस दर्पण का जो है फोकस दूरी इतनी है और इससे इतनी दूरी पर बिंब पड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक पता है लगभग सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कहाँ पे आपको माइनस रखना है कहाँ पे प्लस रखना है, पता चला फोकस दूरी है ना वो किसी की माइनस में रख देते हो किसी की प्लस में, आपको पता ही नहीं किसकी माइनस रखनी है किसकी प्लस रखनी है, जो क्वेश्चन में दिया होता है एज इट इज पुट अप कर देते हो और जो करना होता है उसकी सारी खिचड़ी पका के आंसर गलत लेके आते हो। फिर अपनी गाइड वगैरह चेक करते हो तो गाइड में उसका सोल्यूशन दिया होता है, बिल्कुल सही सोल्यूशन दिया होता है, फिर आपको डाउट आता है इसमें माइनस क्यों रखा यार, इसने तो बोला 100 सेंटीमीटर दूरी पर पड़ा है और इसमें तो माइनस 100 लिखा हुआ है, माइनस कहाँ से आया, तो यही कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको चिन्ह परिपाटी समझा रहा हूँ, इस चिन्ह परिपाटी को समझ लेना बिल्कुल ईजी है। देखना दोस्तों ये रही चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या है कि ये आपका दर्पण है, जैसे मान लो इधर की सतह हमने जो है वो कर रखी है रजतित, तो ये अवतल दर्पण हो गया, दर्पण है कौन सा, ये अवतल है। यहाँ पर ये ए जो रखा हुआ ना, ये ए बिंब है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब यहाँ से यहाँ पर देखना ये क्या कर रखा है इसने, चलो यहाँ पर तो इसने खिचड़ी पका रखी, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरा वाला डायग्राम लेते हैं, ये डायग्राम सही है वैसे तो, हट जा भाई तू क्यों नखरे करता है,
अब देखो इस खाली पे समझाता हूँ तुमको, है ना। ये देखो मान लो कोई अवतल दर्पण है, ओके। इस अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी हुई है। अब देखना तुमको करना क्या है, बहुत ही ईजी है, इन चिन्हों को समझना बहुत ही ईजी है। पहली बात ध्यान रखना कि कोई भी दूरी अपन मापेंगे तो वो दूरी जो होगी वो ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से, पी से। तो तुमको जब भी क्वेश्चन करना हो उठ के आ जाओ, सीधे इस पी के ऊपर बैठ जाओ और यहाँ से अपनी जो भी करना हो यहाँ पे करना। जैसे तुमको दर्पण का क्वेश्चन दिखे पहली नज़र टिका के आके बैठ जाओ पी पर, ध्रुव पर बैठ जाओ, पोल पर और यहीं पर। अब देखना ध्रुव से सारी दूरियाँ मापी जाती है। फिर देखना आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियाँ धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होगी। ये बात को दिमाग में सेट करो, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियाँ धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होगी। अब देखो ये बिंब है तो बिंब कब, इसका प्रतिबिंब कब बनेगा? जब बिंब से कोई किरण चल करके आएगी परावर्तित होगी। तो यहाँ से मान लो ये किरण चल करके आ रही है इस तरीके से, तो प्रकाश किरण क्या होती है, जैसे आपको डायरेक्शन के लिए समझा दूँ ए और ये बी, तो प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ से कहाँ आ रही है? ए से बी की ओर आ रही है, ए से बी की दिशा में आ रही है। ये आपतित किरण है, इस दर्पण के लिए क्या है? आपतित किरण। आपको ध्यान रखना है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो आपतित किरण की दिशा किधर है? ए से बी, तो आपको इधर जो चलना है वो प्लस में लेना है। आप किधर बैठे हो? ध्रुव पर। इधर चलोगे तो आपको प्लस लेना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस लेना है। दूसरा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेनी है, तो अगर आपको इधर चलना पड़े तो माइनस लेना है, ओके। दूसरा, ये जो लाल लाल लाइन दिख रही है मुख्य अक्ष, क्या ये मुख्य अक्ष? ये मुकेश अंबानी नहीं है, मुख्य अक्ष ध्यान रखना है ना, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी आपको धनात्मक लेनी है और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक। अब आप पूछोगे भैया ये तो ऑब्जेक्ट इधर माप रही है, ऊपर कैसे मापेंगे? तो ये कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसकी ऊंचाई अगर बात करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट की अपन बात करेंगे तो उस समय इसको अपन काम में लेंगे। हालांकि इसके क्वेश्चन में आपको कराऊंगा नहीं, इतने नहीं आते इसके, बस सिंपल है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हाइट को लेकर के, कि कोई वस्तु की मान लो लंबाई एच है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ताकि अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, तो एच बाई टू होनी चाहिए, सीधा रट लेना। अगर आदमी की लंबाई एच है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम न्यूनतम लंबाई का कितना दर्पण की लंबाई होनी चाहिए? तो दर्पण की h बाई टू होनी चाहिए। 8 मीटर का अगर आदमी होगा तो 4 मीटर लंबा दर्पण जो दर्पण होगा उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेगा, ओके। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता रहता है अच्छे एग्जाम्स में। तो आपको मैंने क्या सिखाया? सीधी परिपाटी सिखा दी मैंने, क्या? पहले जाकर के बैठ जाओ ध्रुव पर, यानी कि पोल पर बैठने का। पोल पर बैठने के बाद पढ़ना है प्रश्न, अब किया क्या रहा है प्रश्न, जो भी किया उसके बाद निशान लगाना है। पहली बात ध्रुव पर बैठे, दूसरा बात आपतित किरण को पहचानना है, जो ऑब्जेक्ट है वहां से किरण चल करके आएगी, ऑब्जेक्ट यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बिंब से किरण चल करके आएगी। तो आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक लेनी है, उसके अपोजिट चलना पड़ रहा है तो ऋणात्मक लेनी। अब समझाता हूँ कैसे, समझ में आ गया हो तो आप देखना, ये एक मैंने दर्पण बनाया, आप बता सकते हो उत्तल है क्या अवतल है? दुनिया बोलेगी भैया ये तो अवतल दर्पण है, क्यों? क्योंकि अंदर की सतह दबी हुई। ये मैंने एक दर्पण बनाया, आप बोलोगे ये कैसा है? तो आप बोलोगे ये उत्तल दर्पण है। ये मान लो मुख्य अक्ष है ना, तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता हूँ, मान लो चलो रख देते हैं ऑब्जेक्ट, आपको अगर इमेज देखनी है तो आपको दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। इस साइड रखते हो तो क्या नज़र आता? नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट इस साइड रखा इसके लिए। अगर इसकी बात करें तो इसको अगर आपको इमेज देखनी है तो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखना क्या होगा, प्रकाश किरण चल करके जाएगी, ये प्रकाश किरण चल करके जाएगी, प्रकाश किरण चल करके जाएगी। आपको किधर क्या करना है? ध्रुव पे आके बैठ जाना है। आपको क्या करना है? ध्रुव पे आके बैठ जाना, दोनों दर्पण में एक साथ समझा रहा हूँ। तो ध्रुव पर बैठ गए, अब आपतित किरण की दिशा में आई। आपको पता है फोकस दूरी क्या, वक्ता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसका केंद्र बिंदु वक्ता केंद्र, कहीं ना कहीं इसका वक्ता केंद्र सी भी रहा होगा, और इस पी और सी के बीचों बीच बिंदु जो होगा वो फोकस रहा होगा, ओके। तो इसका भी कहीं ना कहीं वक्ता केंद्र सी रहा होगा, और इनके इसका पी मैंने बहुत दूर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसके मिटाने का काम ध्यान रखना, ये पी है ना। हाँ, अब देखना इसके कहीं ना कहीं बीचों बीच एक बिंदु, ये कुछ भी नहीं काट रहा हूँ मैं इसको, इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं एक बिंदु रहा होगा, ये इसका फोकस रहा होगा। अब देखना, मैं एक चीज समझाता हूँ तुमको, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तुमको पहचानना है आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। अब तुमको पूछ ले भैया अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? तो तुम क्या करोगे, ध्रुव पर बैठे हो, और फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी, तो ये एफ। अब तुम ध्रुव से बैठे और इस एफ की तरफ चले तो आपतित किरण की दिशा में चले कि विपरीत दिशा में? तो देखो आपतित किरण की दिशा तो इस डायरेक्शन में, और तुम किधर चले? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस के माइनस, माइनस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
जैसे इसमें देखना, ये तुम बैठे ध्रुव पर, पहली बात मैंने बता दी कुछ नहीं करना क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले जाके ध्रुव पर बैठ जाओ, बैठ गए ध्रुव पर, अब आपतित किरण आ रही उसको पहचानो, तो आपतित किरण इधर से चल के आ रही इसकी दिशा में धनात्मक मापने, तो तुम ध्रुव पर बैठ गए, अब तुमको बोला फोकस दूरी मापो उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मापने के लिए फोकस बिंदु की तरफ चले, तो तुम चले आपतित किरण की दिशा में, चलेगी विपरीत दिशा में, देखो दिशा तो क्या है ये इधर, इधर क्या लेना है प्लस, और तुम भी किधर चले इधर, तो ये क्या पॉजिटिव, तो उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, कैसी होती है धनात्मक, धनात्मक, ओके तो इजी बात है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चाहो तो रट लो चाहो तो कंसेप्ट समझ लो, यही चिन्ह परिपाटी है, आगे तुम जो मर्जी चाहे करो। अब मैं जो डायग्राम बता रहा था वो ये था, इसमें क्या कर रखा है, इसने सब कुछ एक साथ खिचड़ी पका रखी है, हालांकि ये भी सही है। आगे बढ़ जाते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो देखना दर्पण सूत्र आपको दे देगा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब या इमेज कितनी दूरी पर बनेगा जब किसी फोकस दूरी है, तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए जिसको दर्पण सूत्र कहा जाता है, 1/f बराबर 1/b-1/u, यहाँ पर f क्या है, तो f की बात कर दी जाए तो f जो है ये फोकस दूरी है, क्या है ये, f जो है ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी, यहाँ पर बात कर दी जाए v क्या है, तो v जो है ये प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, क्या है ये, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी ध्रुव का मतलब पी, पी से दूरी। अगर बात कर दी जाए यू क्या है, तो यू के लिए आपको ध्यान रखना है बिंब की ध्रुव से दूरी, तो हर दूरी कहाँ से माप रहे अपन, ध्रुव से, ये राज की बात है, ध्यान रखना, जिस दिन तुम ये पॉइंट भूल गए तुम्हारा हर क्वेश्चन गलत होगा, और जब तक तुमको याद है ध्रुव से दूरी माप रहे तब तक तुम्हारा सही होगा। ओके आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं, दर्पण सूत्र याद कर लो, क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, बहुत इजी, 1/f = 1/v + 1/u, एक क्वेश्चन करते हैं मजा आ जाएगा, देखना अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आप, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, देखो क्या है, एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, पर वस्तु स्थित है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले नजर दर्पण पर बालो, क्या है अवतल दर्पण, ये लो भैया अवतल दर्पण बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, अवतल दर्पण बना लिया, ये रहा मुख्य अक्ष, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, पहला काम जाकर के ध्रुव पर बैठ जाओ, ये रहा ध्रुव, आकर के बैठ जाओ ध्रुव पर, बैठ गए, अब बोलो क्या बोल रहा है, इसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, अरे भैया हमको तो पता ही है फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है क्योंकि अवतल दर्पण है, फिर भी चलो हमको नहीं पता क्या करेंगे, अगला देखो इसके सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई, तो इधर 100 सेंटीमीटर पर रखेंगे क्या, अरे मेरे भाई आईने के पीछे कुछ भी वस्तु रखेगा तो क्या प्रतिबिंब इसमें नजर आएगा क्या, नहीं इसके सामने रखना पड़ेगा ना, तो इधर रखने से कोई मतलब नहीं है, तो तुमको खुद ही सोचना है कि 100 सेंटीमीटर इधर रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु, तो ये ऑब्जेक्ट या वस्तु कितनी दूरी पर है, ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये यहाँ पर बोल दिया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, चलो कोई बात नहीं, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी, तुम्हारे को पहला काम क्या करना है, ध्रुव पर आकर के बैठना है, बैठ गए, दूसरा काम इधर से किरण चल के आएगी, ये आपतित किरण होगी, आपतित किरण, तो आपतित किरण को पहचान लिया, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, सूत्र क्या है अपना 1/f = 1/v + 1/u, 1/f, f क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी, इधर की तरफ जो तुम चलोगे यहाँ पर कोई फोकस बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होगी, इधर चलोगे तो आपतित किरण की दिशा में चलेगी विपरीत दिशा में, देखो दिशा तो इधर चल रही है प्लस और तुम उसके अपोजिट जा रहे हो तो माइनस है, यानी कि माइनस का कितना रखोगे 60, ये फोकस दूरी माइनस है, हमको तो पहले से ही पता था अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ओके 1/v क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, यही तो ज्ञात करना है, तो 1/v रख दो प्लस 1/u, 1/u क्या है बिंब की स्थिति 100 सेंटीमीटर दूरी पर है, अब ये 100 सेंटीमीटर तुम ध्रुव से मापने जाओगे तो आपतित किरण की दिशा में चल रहे हो कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो ये माइनस का 100, तो यहाँ पर क्या रखोगे 1/-100, अब देखना ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 100 तुम इधर उठा के ले जाओ तो ये क्या बनेगा 1, इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/100 - 1/60 = 1/v, अब तुम इसको क्या करते हो इसका लस ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 600, चलो 600 आ गया, और 600 में इसका भाग दिया तो 6 माइनस इसका भाग दिया तो 600 में 6 का 100 का भाग दिया तो 6 माइनस इसका भाग दिया तो 10 आ गया बराबर 1/v, अब इसमें से तुम घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 - 10/600 बराबर 1/v, यहाँ पर जगह कंप्यूटर में इसको मिटा रहा हूँ, 6 - 10/600 बराबर 1/v ये बन रहा था, ठीक है ओके, अब अपन इसको सोल्व करते थे क्या आ जाएगा माइनस का
चार बटा 600 बराबर 1 अपॉन वी, और यहाँ पर तुम वी जो करोगे ये माइनस 600 बटा 4 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो दोनों को, इसको तुम सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वी बराबर ये माइनस का और 4 एकम 4 और 2 इधर दे दिया, 4 पंजे 20 और ये 0, 150 सेंटीमीटर, माइनस का 150 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि तुम्हारा ये जो दर्पण है इसके इधर की डायरेक्शन में ही 100 पर तो वस्तु पड़ी है और 150 पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो इस तरह से माइनस 100 सेंटीमीटर जहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा वो टिक करने का, ऐसे इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। देखना दोस्तों थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर बहुत बच रहा है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं दर्पण के उपयोग, अब जल्दी से निपटाते हैं, आप थोड़ा बहुत धीरे हो गया, बहुत टाइम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। दर्पण के उपयोग, जो आप गोलीय दर्पण पढ़ते हो ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ओके, तो पहले पढ़ते हैं अपन अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ पर यूज होते हैं। अवतल दर्पण सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, जो सोलर कुकर होता है उसको काले रंग का बनाया जाता है, इसके अंदर जो होता है वो अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि प्रकाश की किरणों को ये केंद्रित कर करके उसके अंदर डाल सके। इस तरह सोलर कुकर खुलेगा, इधर प्रकाश किरण आएगी टकरा करके इसके अंदर जाएगी और खाना पक जाएगा। नेक्स्ट ENT चिकित्सकों के पास, ENT डॉक्टर जो होते हैं ना, कान के नाक के गले के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जो होती है ना देखना ये जो होती है अवतल दर्पण को यूज करते हैं ताकि अच्छे से इंस्पेक्शन कर सके, निरीक्षण कर सके। सैलून में जो आप दाढ़ी बनवाने जाते हो, बाल कटवाने जाते हो, आपके सामने जो दर्पण रखा होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसी तरह से महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में जो मेकअप मिरर होता है वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। आगे देखना हेडलाइट लैंप और टेबल लैंप जो होते हैं इनके अंदर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश को केंद्रित किया जा सके। देखना कैसे, इस तरह से मान लो, अरे यार इस तरह से मान लो ये बल्ब लगा हुआ है, तो इस बल्ब के पीछे अवतल दर्पण लगा के रखते हैं ताकि बल्ब की रोशनी इधर आए और टकरा करके इधर किसी जगह पर फोकस कर सके, एक जगह फोकसित कर सके, ओके। उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, जो आप देखते हो ना पीछे वाली गाड़ी कितनी दूरी पर है तो साइड मिरर के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। स्ट्रीट लाइट में बल्ब के परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, अभी मैंने जो बताया था एग्जांपल वो तो टेबल लाइट का था, आप टेबल पर पढ़ते हो तो आपको रोशनी फैली हुई चाहिए अपनी बुक पर केंद्रित चाहिए, तो टेबल लाइट में तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रीट लाइट होगी, मोहल्ले की लाइट होगी, तो मोहल्ले की लाइट की रोशनी को सब तरफ फैलाना होगा, तो ये तो बड़ा बल्ब उसके पीछे इस तरह से लगा देते हैं ताकि रोशनी फैल जाए, तो स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में अपन अवतल उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये रहे सारे आपके एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं टाइम कम बचा इस वजह से। हाँ, अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, कट, अपवर्तन, तो अपन अपवर्तन को समझते हैं दोस्तों, अपवर्तन क्या होता है जल्दी जल्दी समझना, वक्त कम बचा है। अब ये मान लो कोई अलग अलग सतह है, एक सतह है यहाँ पर मान लो वायु है और यहाँ पर मान लो जल है। अब जल नहीं मानते, चलो कांच मान लेते हैं, ये कांच है, ओके। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वायु, ये सॉरी प्रकाश की जो कोई किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके कुछ गुण बदल जाते हैं, जैसे उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी दिशा भी बदल जाती है, इस चीज़ को अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके उसकी दिशा बदल गई, इसको अपवर्तन कहते हैं। तो नहीं, सिर्फ दिशा नहीं बदली, उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, बहुत सारे गुण बदलते हैं और उन्हीं गुणों में एक गुण होता है दिशा, तो दिशा भी बदल जाती है। तो अपवर्तन में केवल दिशा बदलती है, सही के गलत, केवल दिशा नहीं बदलती, यह कथन गलत हो गया। अपवर्तन में दिशा बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलती है, तीव्रता बदलती है, बहुत सारे गुण बदल जाते हैं, ओके। हाँ, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना, आवृत्ति स्रोत का गुण होता है। अपन बात करते हैं, जैसे मान लो मानने का क्या है, ये कोई स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, इस तरह से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण वायु से किस में प्रवेश कर रही है, कांच में, ऐसे आ रही है, तो वायु कैसा माध्यम हो गया, एक तरह से विरल माध्यम हो गया, और प्रकाश सॉरी कांच कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो कोई प्रकाश किरण वायु से अगर कांच में प्रवेश करती है तो देखना क्या होगा, अपन कल्पना करते इस कांच से या इस इस विभाजक सतह के 90 डिग्री पर अपन एक काल्पनिक अक्ष मान लेते हैं, इसको अपन बोल देंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो प्रकाश किरण जो आ रही है इस सॉरी क्या कह रहे हैं अरे प्रकाश किरण जो है इस वायु में आ रही है तो इसको इधर जाना चाहिए, कांच में इसको सीधा इधर जाना चाहिए, पर एक्चुअल में प्रकाश किरण ऐसे नहीं होती बल्कि अभिलंब के थोड़ा सा पास खिसक जाती है, अभिलंब के पास खिसक जाती है, ओके। ये अभिलंब के पास खिसक जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपतन कोण जो होगा वो आई होगा और अपवर्तन कोण जो होगा ये आर होगा, ध्यान रखना, आपतन और अपवर्तन कोण बता दिया। अब क्या पढ़ा हमने अपवर्तन के बारे में, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक जाती है,
इसको अपवर्तन कहते हैं। अगर विरल माध्यम से सघन में आ रही है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। और भी बहुत सारी बातें होती हैं इनके बारे में। इसका मान लिया अपवर्तनांक म्यू है, म्यू वन है या म्यू टू मान लो, इसका अपवर्तनांक म्यू वन मान लो। देखो कोई भी माध्यम होता है तो उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है। जैसे वायु का नॉर्मली अपन एक मान के चलते, एक होता नहीं, एक से ज़्यादा होता है, लेकिन अपन एक मान के चलते। कांच का अपवर्तनांक उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप वायु में आसानी से देख सकते हो, कांच में उतना आसानी से नहीं देख सकते हैं ना, अगर पूरा माध्यम कांच कर दिया जाए तो। जितना जो है वस्तु की बोल सकते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, उसका अपवर्तनांक भी वैसा वैसा बढ़ता जाता है। ये हो गई भैया जी अपवर्तन की बातें। यहाँ पर ध्यान रखना अपवर्तन कोण या आई क्या होता है, आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण आर होता है, और इनके अलग अलग माध्यम हैं। देखना आगे इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं, अपवर्तन के नियम। पहला नियम तो वही जो परावर्तन का नियम था, क्या आप इसके अपवर्तन के नियम, पहला नियम जो होता है वही है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होंगे। दूसरा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, अपन उसमें तो क्या पढ़ रहे थे, परावर्तन में पढ़ रहे थे कोण आई बराबर कोण आर होगा, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अभी जस्ट बताया कि आपको बताया वो दिशा भटक गया, ये इस तरह से किरण आई थी और इसको जाना इधर था और किरण दिशा भटक गई, तो अपन कह सकते हैं क्या जो आई कोण है वो आर कोण के बराबर होगा, नहीं होगा, कोण तो अलग अलग होंगे। तो कोण कितना होगा इसको बताने के लिए स्नेल का नियम जाता है, स्नेल का नियम दिया जाता है। यहाँ पर अपवर्तनांक म्यू वन माने, इसका अपवर्तनांक म्यू टू माने, तो स्नेल का नियम ये होता है म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। ओके, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अपन ये बोल सकते हैं कि म्यू साइन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ये भी अपन बोल सकते हैं, ये स्नेल का नियम है, ये स्नेल का नियम है। जो भी रूप आपको दिखे वैसा करना है। स्नेल के नियम को मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है। अब बनते क्वेश्चन अच्छे बनते हो आपके लेवल के नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें साइन कोस खेलना होता है, और मेरे को पता है जहाँ तक 10वीं के एग्जाम में साइन कोस के क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, 10वीं तक का अगर लेवल रहा तो। तो आगे अपन बात करते हैं स्नेल के नियम के बाद अपवर्तन के उदाहरण, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएगा क्वेश्चन। ओके, या तो परावर्तन के उदाहरण से, अपवर्तन के उदाहरण से, या फिर आप कह सकते हो वो जो प्रकाश बिखर जाता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, वहाँ के उदाहरण से, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना। जैसे इसके उदाहरण देखना अपवर्तन के, पानी में रखी हुई पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती, कैसे, मान लो आपने एक गिलास भरा पानी का इस तरह से, और इसके अंदर आपको पेंसिल रखते हो इसे, तो पेंसिल तो सीधी होती है लेकिन आपको हल्की सी मुड़ी हुई नजर आती है ना, तो पानी में आप पेंसिल रखो, हाथ डालो, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो आपका स्विमिंग पूल होता है उसमें स्विमिंग पूल की जो सतह होती है आपको ऊपर नजर आती है, आपको लगता है थोड़ा सा पानी, लेकिन आप उतरते तो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, तो वो भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे और एग्जांपल इसका, तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो अंडाकार दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। अब ये कैसे क्या होता है ये मैं एग्जैक्ट क्लास में पूरी एक एक क्लास लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन क्लास में, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि पूरा एक्सप्लेन कर पाए, बस ध्यान रखना ये इसके एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम में आए तो टिक करके आना है आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं। देखना दोस्तों, ये मान लिया दो अलग अलग माध्यम है, दोनों के माध्यम को विभाजित करने वाली सतह है। मान लिया ये अंदर का माध्यम सघन माध्यम है, कैसा, ये सघन, और बाहर का माध्यम विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मान लो एक स्रोत रखते हैं जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये स्रोत है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आया, प्रकाश किरण आई, और ये किरण टकराएगी, और आपको पता है ये अगर अभिलंब है, मैं अभिलंब सीधा नहीं बना पा रहा, टेढ़ा बन रहा, अभिलंब बिल्कुल सीधा होता है ना, ये मान लो अभिलंब है, तो ये सघन से विरल में जा रही थी, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। इस तरह से मैं अगर इसका कोण और बढ़ा दूँ, ये है कौन सा कोण, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ आपतन कोण को, तो आपतन कोण को बढ़ा दूँ जैसे इस तरह से, तो ये किरण जो होगी और मुड़ेगी इस तरह से, और मुड़ते मुड़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बिल्कुल इसके समांतर हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो उस स्थिति में जब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं, इसको आईसी से दर्शाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बनाते हैं, इसको अपन आईसी से और ज़्यादा कर देते हैं, क्रांतिक कोण से और ज़्यादा मान कर देते हैं, तो ये जो किरण टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट आती है, और यहाँ पर जो होगा इसको अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहेंगे, ये TIR हो गया। तो TIR क्या होता है कि ये केवल तभी संभव होता है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर शर्त नहीं है तो ये लागू नहीं होगा। तो दो शर्तें होती है, जैसे पहली शर्त ये हो गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा,
प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी शर्त क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपका आपतन कोण या आई जो बोल रहे अपन आपतन कोण, इसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि क्रांतिक कोण क्या है, आई सी, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अच्छा, इस स्थिति में अगर अपन स्नेल का नियम लगाते हैं तो म्यू वन, या इसका अपन अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू बराबर एक मान ले, तो म्यू वन साइन आई बराबर क्या होगा, म्यू टू तो एक ही है, म्यू टू एक ही है, बराबर साइन आर, और साइन आर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो ये साइन 90 रखेंगे, तो यहाँ पर म्यू वन जो होगा ये साइन आई बराबर क्या होगा एक, और यहाँ पर साइन आई जो होगा ये बोल सकते हैं एक बटा म्यू वन होगा। तो ये क्रांतिक कोण की कंडीशन में होता है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं जो आपके लेवल के नहीं है, तो अभी मैं इन क्वेश्चन को छेड़ नहीं रहा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, लेकिन जो आपतन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो तो पुनः उसी माध्यम में लौट आए, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी कोई भी गुण नहीं बदलता है, मतलब केवल इसकी दिशा बदली है, इसके अलावा बोलते तीव्रता बदलेगी, नहीं बदलेगी, तीव्रता उतनी रहेगी, इसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलेगी, तो इसमें केवल दिशा बदलती है, बाकी कुछ नहीं बदला। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मिलता जुलता है, बस ये शर्त ये कि ये जो है ना ये सघन से विरल में होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसके एग्जांपल देखना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल बनते हैं इसके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल में जैसे हीरे का चमकना, ये देखना दोस्तों कैसे होता है। पहली बात दिमाग में सेट कर लो, हीरा कभी भी खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, यानी हीरा चमक रहा है उसमें खुद का कोई रोल नहीं होता है, वो केवल बाहरी प्रकाश की वजह से चमकता है। बाहरी प्रकाश हीरे में प्रवेश कर जाता है तो उसका घनत्व कुछ इस प्रकार का होता है कि प्रकाश टकरा के अंदर ही घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। जैसे मान लो आपने हीरा देखा है, नहीं देखा है तो देख लो, आपके सामने है मतलब स्क्रीन पर, ये हीरा नहीं, हाँ, तो ये जो हीरा है इस हीरे में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो ये अंदर जाएगी, टकराएगी, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर टकराएगी, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टकराएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, इस तरह से इसका प्रकाश किरण का अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो होता क्या है, हीरे में एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए तो अंदर ही अंदर टकरा के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, इसी वजह से आपको हीरा चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन ध्यान रखना, चमकता हुआ नजर आ रहा है लेकिन वो खुद से नहीं चमक रहा है, उसके पीछे वजह कुछ और है, वो दूसरे प्रकाश से चमकता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। हर चमकने वाले को गलतफहमी होती है कि मैं खुद से चमक रहा हूँ, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं, उसको पता नहीं होता। हाँ, आगे अपन बात करते हैं पानी में रखे हवा के बुलबुले का चमकना। पानी के अंदर हवा का बुलबुला होगा तो वो चमकेगा, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जांपल है। प्रकाशीय तंतु, जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, जो आज जियो 4G आप यूज कर रहे हो, जो आप नेट की स्पीड यूज कर रहे हो ऑप्टिक फाइबर की वजह से, और ये ऑप्टिक फाइबर जो है, इन ऑप्टिक फाइबर किसका उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कैसे, क्या है, काश मैं एक्सप्लेन कर पाता इतना वक्त होता, फिर भी चलो हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। इस तरह से क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम प्रयुक्त कर देते हैं, इधर से प्रकाशिक किरणों को संकेत के रूप में भेजा जाता है और इनका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, और ये प्रकाश की चाल से होता है क्योंकि प्रकाशीय किरणें, और आगे जाकर के इन प्रकाशीय किरणों को वापस से जो है विद्युतीय तरंगों में बदल दिया जाता है, विद्युतीय संकेतों में बदल दिया जाता है, इस तरह से अपना काम हो जाता है। ऑप्टिक फाइबर किस दिन अच्छे समझाएंगे। आगे देखना, मरीचिका या मृग मरीचिका जो होता है, रेगिस्तान के अंदर देखते हैं हिरण को प्यास लगती है, हिरण इधर उधर भागता रहता है, इसको दूरी पर पानी नजर आता है, जैसे दौड़ करके पहुंचता है वहां पे हकीकत में पानी नहीं होता, बस उसको आभास होता है, इसको मृग मरीचिका प्रभाव कहा जाता है। ये मृग मरीचिका प्रभाव जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इस तरह से आप देखना, गर्मियों के दिनों में अगर आप सड़क पर चलते हो तो आपको सड़क पर बहुत दूरी पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, एग्जैक्ट आप वहां पर पहुंचते हो तो आपको वहां पर पानी नहीं दिखाई देता, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कैसे, क्या होता है, इसको अपन ऑफलाइन क्लास में अच्छे से बताते ही हैं, जिन्होंने क्लास ले रखी है उनको तो पता ही है। आगे देखते हैं, जैसे प्रिज्म क्या होता है, तो देखना कांच जो होती है ना, कांच की पट्टी, तो कांच की पट्टी की समांतर होती है दोनों सतह, और यहाँ से प्रकाश इधर से डाला जाए तो प्रकाश इधर से निकल जाता है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर कांच की दोनों पट्टियों को समांतर न रखा जाए, इनके बीच कोई कोण रखा जाए, तो प्रिज्म का निर्माण हो जाता है। तो प्रिज्म क्या होता है, दो अपवर्तक सतह लेकिन दोनों समांतर न हो और दोनों ये पारदर्शी हो, तो इसको अपन प्रिज्म कहेंगे। जैसे प्रिज्म आपको मैं बता दूँ इस तरीके का होता है। प्रिज्म के बारे में अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, अपन सिर्फ दो सवाल लेंगे यहाँ पर। पहला, क्या प्रिज्म इसी आकार का होता है, नहीं, बहुत से आकारों हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अपनों ने एक सिंपल प्रिज्म लिया, प्रिज्म क्या करता है, तो प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश आता है, इधर से क्या आ रहा है, ये श्वेत प्रकाश, ये चीज़ क्या है, श्वेत प्रकाश, और इधर आकर के सात रंग के घटकों में विभाजित हो जाता है। अच्छा, प्रिज्म आपने नहीं देखा हो, मान लो आपने स्केल तो देखी बचपन में, आप क्या करते थे स्कूल में, स्केल लेके जाते, बहुत बार आप व्हाइट पेपर पर स्केल रखते हैं तो स्केल से रिफ्लेक्ट होकर के जो प्रकाश होता है वो भी सात रंगों में बढ़ जाता है, आपने देखा होगा।
तो जस्ट वो अनुपयोगी था प्रिज्म का, पूरा नहीं हो पाया। इस तरह से प्रिज्म जो होता है ना, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो सात रंगों में हकीकत में होता नजर आता है, पर्दे पर सात रंग प्राप्त होते हैं, जैसे ये रियल प्रिज्म बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, मैं किस रंग से बना ताकि नजर आए, व्हाइट से। मान लो ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, प्रिज्म से टकरा करके प्रकाश किरण निकल रही है, तो इसको जाना तो इधर था, लेकिन थोड़ी सी मुड़ गई, यानी कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये जितना विचलित होती है ना प्रकाश किरण, वो उतना विचलन कोण बनाती है। तो ये मान लो विचलन कोण लाल के लिए डेल्टा आर बोल देते हैं, और इस तरह से विचलन कोण जो है इस नीले के लिए, वॉयलेट के लिए, तो इसको डेल्टा वी बोल देते हैं। डेल्टा वी क्या है, इसको डेल्टा वी, चलो डेल्टा को छोड़ो, कुछ नहीं कोण का मानता हो। तो आपको ये बताना है कि जब प्रिज्म से प्रकाश निकलता है तो कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है। तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कौन सी ब्लू रंग की प्रकाश किरणें सबसे ज़्यादा, सॉरी वॉयलेट रंग की प्रकाश किरणें सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है, और लाल रंग की सबसे कम हो रही है। अच्छा एक और बात देखना, प्रकाश के अंदर रंग कौन से होते हैं, वो सात रंग क्या होते हैं, उन सात रंगों का आपको पता होना चाहिए। तो ये सात रंगों को मैं बता दूँ, इसको विबग्योर कहते हैं, क्या कहते हैं, विबग्योर। ओके, विबग्योर में V4 वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विबग्योर, ये विबग्योर का क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा विबग्योर में सबसे कम जो है अपन बोल सकते हैं विचलन किसका हो रहा है प्रिज्म में, तो सबसे कम विचलन रेड का हो रहा है और सबसे ज़्यादा विचलन इस वॉयलेट का हो रहा है। ओके, प्रिज्म के ऊपर अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा और कुछ जानकारी इसकी लेंगे नहीं, वक्त कम है। आगे आ जाओ अपन और बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो समझना प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश आता है पृथ्वी तक सूर्य से, तो बीच में वायुमंडल पड़ता है, उस वायुमंडल के कारण प्रकाश बिखर जाता है। इस तरह से वायुमंडल में, वायु में गैसों के कारण वो जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश इस तरह से बिखर जाता है, इसी को अपन प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है कि प्रकाश वो कितने कोण पर प्रवेश कर रहा है, इसके 90 डिग्री एंगल से आप देखोगे तब भी आपको ये नजर आएगा, ऐसे सारे लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको प्रकीर्णन पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 12th सिलेबस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो कॉम्पिटिशन में वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं आपके लेवल पर, है ना। तो बस वही समझा रहा हूँ कि प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या है, वरना तो इसकी लिमिटेशन बहुत अच्छी अच्छी लिमिटेशन होती है, इसमें रेले का सूत्र वगैरह अच्छे से यूज किया जाता है। छोड़ो अपन लिमिटेशन, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन, इतना समझ लो, बस खत्म बात आपके लिए। तो आगे देखना प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने, जैसे क्या क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, बादलों का सफेद दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, इस तरह से सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, खतरे के निशान का लाल रंग से बनना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, कॉम्पिटिटिव में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, भैया जी क्वेश्चन आएगा पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है, तो बताना है किसका है, प्रकीर्णन का है, परावर्तन का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किसका है, मृग मरीचि का किसका उदाहरण है, सूर्य का अंडाकार दिखाई देना किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है सूर्य का लाल दिखाई देना किसका है, तो जैसे ना सूर्य का अंडाकार तो बताया था ना अपवर्तन का, और सूर्य का लाल दिखाई देना ये किसका है, प्रकीर्णन का। तो ये सारे एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, और एक न्यूमेरिकल और लेंस के ऊपर, सॉरी दर्पण के ऊपर। तो ये सारा हो गया भैया जी आपके प्रकीर्णन की बातें। आगे देखते हैं लेंस, लेंस क्या होता है, तो देखना जैसे मान लो एक गोली सतह और दूसरी गोली सतह, या फिर एक गोली सतह दूसरी गोली सतह, तो ये जो चीज़ है बीच की ये इस तरह से एक लेंस, और ये जो चीज़ है बीच की ये इस तरह से एक लेंस, बनता कैसे मैं बस आइडिया दे रहा हूँ सुनना। तो लेंस क्या होता है और प्रिज्म में लेंस में क्या फ़र्क होता है, लेंस में सतह जो होती है ये समांतर नहीं होती, समतल नहीं होती, गोली होती इस तरीके से। ये मैंने दो ही लेंस बनाए, इनके अलावा बहुत सारी कंडीशंस बनती है। ओके, तो ये जो लेंस क्या होते हैं, दोनों सतह अपवर्तक सतह होती है लेकिन दोनों समतल नहीं होती, एक सतह गोली हो सकती, दोनों सतह गोली हो सकती, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मेनली लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते उत्तल लेंस, एक तो होते उत्तल, अरे यार उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। इनमें क्या होता है, जो आप दर्पण पढ़ रहे थे वैसा वैसे ही, बस दर्पण के जस्ट अपोजिट होते हैं। जो दर्पण अपसारी दर्पण होगा वो लेंस उत्तल, सॉरी वो दर्पण जो होगा अभिसारी, लेंस जो होगा अभिसारी होगा। कैसे, जैसे मैंने उत्तल दर्पण पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उत्तल दर्पण, और मैंने अवतल दर्पण पढ़ाया, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए मैंने क्या बोला और अवतल दर्पण के लिए क्या बोला, अवतल दर्पण के लिए बोला कि ये अभिसारी दर्पण होता है, कैसा होता है, अभिसारी, और उत्तल दर्पण के लिए बोला ये अपसारी होता है। लेकिन लेंस की बात की जाए तो कौन सा लेंस अपसारी होगा, तो उत्तल दर्पण कैसा था, अपसारी था, यहाँ पर अवतल लेंस जो होगा ये अपसारी होगा,
और अवतल दर्पण कैसा था, यह अभिसारी था। यहाँ पर अवतल उत्तल लेंस जो होगा ये अभिसारी होगा। अब ये कैसे क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूँ, सुनना, ये रटने वाले ये सीधा, क्योंकि समझाने के लिए एक क्लास लगेगी, इतना टाइम मिल नहीं रहा है। ये मान लो प्रकाश किरणें आ रही है कहीं से, ये लेंस है, ये प्रकाश किरणें आ रही है, ये तो अवतल है। यहाँ पर प्रकाश किरणें आती थी, प्रकाश किरणों को इस तरह से फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस। और ये जो होता है प्रकाश किरणों को इस तरह से केंद्रित कर देता है, इस तरह से, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस जो होता है ये अभिसारी होता है और ये अपसारी होता है, फैलाने और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। ओके, यहाँ से इनके बारे में ये ध्यान रखना। आगे इनके फॉर्मूला भी होते हैं, जैसे आपको दर्पण और लेंस के फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। दर्पण, दर्पण के बारे में क्या फॉर्मूला बताया था, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस आता है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, इनके ऊपर लेंस के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, क्योंकि लेंस में दो फोकस दूरियाँ होती है, दर्पण में हमने एक ही फोकस दूरी पढ़ी। यहाँ पर फर्स्ट फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी ऐसे होगी, एक प्लस होगी, एक माइनस होगी, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं जो कि आपके लेवल के नहीं है, इस वजह से इसके आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, फॉर्मूला आ सकता है। ओके, अब आप ये देखते हैं शक्ति, दर्पण की शक्ति की बात कर लो चाहे लेंस की शक्ति की, तो किसी भी शक्तियों की बात करो, ये फॉर्मूला है, किसी की भी शक्तियों की बात करो तो देखना शक्ति कैसे निकालते हैं। शक्ति का सूत्र होता है P = 1/F। ओके, और P बराबर इसको 100/F भी लिखते हैं, यहाँ पर देखना माइनस माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो F होगा ये अगर मीटर में रखना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1/F लगाना है, और ये F अगर सेंटीमीटर में है तो आपको 100/F रखना है। और ये जो लेंस की शक्ति या दर्पण की शक्ति होती है इसको डायोप्टर में मापा जाता है, किसमें, डायोप्टर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ मोटे मोटे तौर पर हमने लेंस की, दर्पण की बातें कर ली डीपली, तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ से बनने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बताए, और भी आगे कल बात करेंगे एक नए चैप्टर की। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।